फाइनली आज वो दिन आ गया जिसका बेसब्री से इंतजार था। तो आप किस चीज़ के शोरूम में जा रहे हो आप? अरे रॉयल एनफील्ड क्या है, चलो बाइक बुक करा रहा हूँ। कलर ये नहीं होगा, कलर सिल्वर में होगा, बट गाड़ी ये वाली। सारी मासूम सी पापा को उठाते हैं और सीधा जो काम मेरा पिछले एक महीने से पेंडिंग था ना, वो फाइनली मैं आज करूँगा। बहुत वेट करा इस दिन का, बहुत वेट करा हमने बेटा। क्या चाहिए तुमको यार? अब इसको नींद भी आ रही, पता है? ओली कैसे करता बेटा? ओली कैसे करता है? कैसे करता ओली? ये लड़की को सब पता है। नीचे जरूर ओली कैसे करता है, एक बार नकल करके दिखा दो ओली की ना। अब तो उसको कैमरा चाहिए। चलो जाएंगे जाएंगे, बस पापा को मनाना बहुत मुश्किल होता है। अगर पापा के पास काम होगा ना, फिर तो पापा सीधा सीधा नो है। चलो आपको घुमा के लाना है, चलो चलो आपके साथ काम है 10 मिनट का, यहाँ तक जाना है बस। 10 मिनट का काम है, आ जाओ बस। चलो तो सही, कौन बंदा है? चले जाएगा बंदा, ये सामान रख रहे हैं आपके यहाँ पे, 10 मिनट का काम है, स्कूटी यहीं खड़ी कर रहा हूँ। चलो थोड़ा सा चल लो, काफ़ी परेशान हो रहे हो भाई। पापा को कुछ भी आइडिया नहीं, पापा को ले जा कहाँ रहे हैं, लेकिन पापा चल रहे हैं बस हमारे साथ। जी पिताजी, आप किस चीज़ के शोरूम में जा रहे हो आप? अरे रॉयल एनफील्ड क्या है, चलो बाइक बुक करा रहा हूँ। तो कब आएगी? वो जब भी आएगी। आपने पूछा था ना मुझसे कुछ कुछ 2 महीने पहले, 2 या 3 महीने पहले कि गाड़ी कब आएगी। आ गई गाड़ी, चलो बुकिंग करा। अरे बुकिंग कराने आ रहे तो ऐसे थोड़ी फुकरे थोड़ी हैं। तो आप भोगरे और क्या हो? चलो चलो वही पता चली जाएगा। हैं ऊपर नीचे, ऊपर है भी नीचे, खड़ी नीचे जो ले रहा हूँ। कलर ये नहीं होगा, कलर सिल्वर में होगा, बट गाड़ी ये वाली रहने वाली है। क्या हुआ? आपके लिए भी छुट्टी वाली। ओके हैं या और कोई समझ में आ रही है? कलर इसमें सर 6-8 कलर मिलेंगे सर। थैंक यू सर। टोटल 8 कलर मिलेंगे। वो कलर देख के आज कर लेंगे। हाँ जी, मैं कलर आपको दिखाता हूँ, आप बैठिए। मैडम मैं जा रहा हूँ भाई, 5 मिनट बैठ जाओ ना। चले ओहो ये वाइट वाला कलर आपने पीछे देख लिया, फिर आ जाता है डैपर गार्ड और ये आ जाता है ग्रे। कौन सी सही लग रही बाबा? फिर भी समझ लो तू, एक 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 कोई एक ऑप्शन कलर थोड़ा सा आप जो चॉइस करेंगे फिर उस पर डिसाइड कर लेंगे। अगर भी यही सही है जो लग रहा है, गंजी वगैरह महसूस होगी। हाँ ग्रे ग्रे मेरे को, मुझे ये वाला कलर अच्छा लगा था बहुत, मतलब नहीं दिखता इतना क्लियर, ये तो गंदा रहेगा। नहीं नहीं सिल्वर मेरे को ठीक लगा था, मुझे अच्छा लगा। तो कलर तो खैर चलो डिसाइडेड है, ये वाला पापा से चॉइस ले। तो क्या क्या ऑन रोड पड़ेगा भैया? सर इसका ऑन रोड आएगा हमारा 207। 207? हाँ जी। कुछ डिस्काउंट वगैरह कुछ एक्सेसरी वगैरह कुछ? सर एक्सेसरीज इसमें एक लेग गार्ड और सम गार्ड ऑलरेडी आएगा। सम गार्ड मतलब ये नीचे वाला? हाँ जी ठीक है। और लेग गार्ड? एक लेग गार्ड। ठीक है। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो?
भाई मिला तो इसने लूटा हुआ है, लोग बाइक छोड़ के इसके पास आ रहे हैं, इसको लगा ना डिस्प्ले में, सबको लगा लड़का है, यही लड़का है। अच्छा चलो भाई, फाइनली द वेट इज ओवर। मैंने बहुत ढूंढी, बहुत मतलब ढूंढी तो खैर क्या, मैंने बहुत चीज़ें सर्च करी, मतलब मेरी शॉर्ट लिस्ट में जो थे KTM मैंने क्रॉस करा हुआ था, KTM मेरे को चाहिए नहीं थी फॉर श्योर, मतलब बहुत श्योर था मैं इसको लेके। ऑल दो मुझे मतलब मेरे को बहुत पसंद है KTM, उसमें बहुत अच्छे फीचर्स हैं जो रॉयल इनफील्ड कभी सोच भी नहीं सकती है, बट मेरे को चाहिए नहीं थी। मेरे को चाहिए थी भाई बजट फ्रेंडली गाड़ी, मेंटेनेंस कम हो और सर्विस सेंटर उसके ज़्यादा से ज़्यादा हो, और कहीं मैं ये ना हूँ कि भाई इसकी सर्विस नहीं मिल रही मेरे को अगर मैं कहीं जाता हूँ। ऑल दो अभी ऐसा कुछ प्लान है नहीं कि लेके एकदम से निकल जाऊँगा, थोड़ा टाइम वेट करूँगा क्योंकि बाइक से काफ़ी टाइम तक मैं दूर हूँ। अभी मैं एक्टिवा भी चलाता हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई कितनी पावर है उसमें, तो यूज़ होऊंगा थोड़ा इसका, फिलहाल अभी प्रोसेस में ही है। ये वीडियो भी मैं तब डालूंगा जब मैं फॉर श्योर हो जाऊंगा कि हाँ बाइक आ रही है मेरी, उसके बाद ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा। बट यस वी डिड इट, इस चीज़ में तो मैं बोल सकता हूँ मैंने और मोटे ने कर रहे मेहनत चीज़ों के लिए और चीज़ें ले रहे हैं, चीज़ें कर पा रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है आज फिर से। और वही सेम टाइम नर्वस भी हूँ, डरा हुआ भी हूँ कि चीज़ ले तो, अरे रुक जा भाई, कर तो रहे हैं, जा तो रहे हैं, आगे क्या होगा किसी को नहीं पता। खैर पर डे अब रॉयल इनफील्ड दिखेंगी मुझे, तो पर डे के हिसाब से चलते हैं कि आज एक नए दिन है तो इसको जीना है, नेक्स्ट डे की सोचनी नहीं है, वो मेरा थॉट प्रोसेस होता है फिलहाल। यस एक एक दिल में डर है और एक जगह पे खुशी है कि यस एक महीने मेरे जो काम चल रहे थे वो काम निपटाए मैंने, उसके लिए वेट करा, एक यस की वेट कर रहा था मैं, वो फाइनली यस वो आज आई और मैंने सेम टाइम बुक करा ली, वो खुशी वाली पर्ची आज मैं लेके जा रहा हूँ। मैंने बहुत बार मतलब अपने मोटे भाई से डिस्कस किया, मैंने यार ये खुशी वाली पर्ची चाहिए, वो जो बुकिंग अमाउंट का होता है कि यस यू हैव बुक दिस बाइक, तो फाइनली वो खुशी वाली पर्ची मैं घर जाके आप लोगों को दिखाऊंगा, वो खुशी वाली पर्ची मैंने बुक करा दी है। फाइनेंस का बंदा शायद उनका चलेगा कि तो बिकॉज कैश तो लेनी नहीं है भाई, इतना कैश है नहीं, फाइनेंस करानी है, तो जो भी डिटेल्स हैं वो मुझे कल मॉर्निंग में भेजेगा, वो सारी डिटेल्स को शेयर करनी है। मोस्ट प्रोबेबली उसने बोला है कि गाड़ी रेडी है आपको कब लेनी है, मैंने बोला भाई फाइनेंस करानी है 1 से 2 दिन, जैसे ही फाइनेंस का होता है यस नो या जो भी होता है, मैंने उसको अपना क्राइटेरिया बता दिया या अपनी रिक्वायरमेंट बता दी कि भाई ये मेरी रिक्वायरमेंट है, इतना मैं करूँगा, इतना मुझे चाहिए, मतलब डाउन पेमेंट ऑब्वियसली बात है, डाउन पेमेंट और कि नहीं EMI मेरे को चाहिए कि मेरी पॉकेट पर ज़्यादा लोड ना पड़े, तो ये सारी चीज़ें मैंने उसको बता दी, तो कल मेरे पास डिटेल आ जाएगी, उसके बाद श्योर हो जाएगा कि कब तक मैं गाड़ी ले रहा हूँ कब तक नहीं ले रहा हूँ। मोस्ट प्रॉब्ली जो मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट वीकेंड शायद इसकी जगह हंटर होगी, तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि चीज़ें सारी मेरे फेवर में जाएं, कर लेंगे, अच्छा लग रहा है। फिलहाल अभी सीधा घर पहुँचने के लिए, हमारा ठुसफुस तो सो ही गया है, छोटा ठुसफुस। हियर इट इज, सीधा करके मैं इसलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि इसमें सारी डिटेल्स हैं, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर दो, मिलते हैं, सुपर एक्साइटेड कब रॉयल इनफील्ड।